रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज ट्यूसडे 28 दिसंबर 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज मंगलवार 28 दिसंबर 2021। आज रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको जो वचन सिखाते हैं, एफेशियंस 5:1, इफिसियों की पत्री 5:1, एफिशियंस 5:1, इफिसियों की पत्री 5:1। इस वचन के आधार से आज हमारे लिए जो विषय है, बी इंस्पायर्ड बाय हिज एग्जाम्पल, उसके उदाहरण से प्रेरणा प्राप्त कीजिए। बी इंस्पायर्ड बाय हिज एग्जाम्पल, उसके उदाहरणों से आप प्रेरणा प्राप्त कीजिए। हम पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा ये विषय हमको सिखाया जा रहा है। हम वचन पढ़ेंगे, बी ये देयर फॉर फॉलोवर्स ऑफ गॉड एज डियर चिल्ड्रेन, एफिशियंस 5:1। बी ये देयर फॉर फॉलोवर्स ऑफ गॉड एज डियर चिल्ड्रेन, इसी वचन को हम पढ़ेंगे हिंदी में। एफिशियंस 5:1 हमने पढ़ा, हिंदी में इसे पढ़ेंगे, सीला री सीखे तीन अरा शरब का सियांदुरो लात उल बिके से जिसकिन बा उर ई इतिन रल्लरबा कासियांदुरु लात उर यहासा। इफिसियों की पत्री 5:1, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। और एक बार पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री 5:1, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। हम पास्टर क्रिस ओयाखिलोम इस वचन को हमें सिखाते हैं, हम सीखेंगे, व्हेन यू एक्सप्लोर एवरी एस्पेक्ट ऑफ जीसस लाइफ एंड टीचिंग्स एंड स्टडी व्हाट ही डिड, द वर्ड्स ही स्पोक, द मिरेकल्स ही परफॉर्म्ड एंड द लाइव्स ही चेंज्ड, यू वुड बी इंस्पायर्ड बाय हिज एग्जाम्पल। अगर आप यीशु मसीह के हर एक जीवन के क्षेत्र में से आप ध्यान से देखेंगे, उसके सारे फैलाव जीवन का आप खोज निकालोगे, तो आप उसके जीवन के और उसकी सिखाई हुई बातों से और उसका अभ्यास करते हुए कि उसने क्या क्या किया, जो शब्द उसने बोले, जो चमत्कार उसने कर दिखाए, जो जीवनों को उसने बदल दिया, तो आप बिल्कुल उसके उदाहरण को देखकर प्रेरणा प्राप्त कर लेते हैं। Nobody ever talked like Jesus. कोई ऐसा अभी तक नहीं रहा जो यीशु मसीह की तरह बातें किया होगा। Not only did his words demonstrate his faith, hope and love, they also imparted same to his hearers. और केवल इतना ही नहीं कि उसका वचन जो वह बोलता था, उसके विश्वास, आशा और प्रेम से उसने उसको कर दिखाया, बल्कि वो समान तरीके से उसके सुनने वालों को भी उसने प्रदान किया, उसके शब्दों को, उस असर को और उस काम करने की कुव्वत को, वही विश्वास, आशा और प्रेम के द्वारा उन लोगों को जो उसकी सुनते थे उनको भी प्रदान किया। इन जॉन 10:30 he said, I and my father are one. On another occasion he said, I am from above, I am not of this world. John 8:23. यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 30 वचन वह इस प्रकार से कहता है, रिदान सिखिया लरा सासियांदुगम व आसिया लरा हसा लैदउल अर के तीन रल्लबा खासी केतकिन बराशरा खासी आंदुरु। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 30 वचन वो इस प्रकार से कहता है, मैं और पिता एक है। और एक बार पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10:30, मैं और पिता एक है, ऐसा यीशु मसीह ने कहा। और दूसरे एक जगह में उसने इस प्रकार से कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8:23 के 23 वचन में, शापियांतुकम सील रबे हिस्से जह जह के तीन रल्लबा खा सियांदुरु।
यूहन्ना रचित सुसमाचार 8:23 में उसने इस प्रकार से और एक जगह में कहा, और एक अवसर के समय उसने ऐसे कहा, उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ, तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। और एक बार पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8:23, उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ, तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। रिदिन एसियाला रहा असिस्किन बराहश्कर खासी अंदुरो। नो वंडर व्हेन ही वॉक्ड द अर्थ द हाई प्रीस्ट्स एंड फेरिसिस वेयर सो कंसर्न्ड अबाउट हिज राइसिंग इन्फ्लुएंस दैट दे डिसाइडेड टू सेंड ऑफिसर्स टू अरेस्ट हिम, John 7:32, बट दे रिटर्न्ड विदाउट हिम। इसमें फिर कोई आश्चर्य करने की बात नहीं रहती कि जब वह इस पृथ्वी के ऊपर चल फिर रहा था, तब महायाजक और फरीसी उन्होंने बहुत चिंतित होकर एक प्रकार का उसका बढ़ता हुआ प्रभाव देखा, और ऐसा प्रभाव देखा कि उनको फैसला लेना पड़ा कि कोई अफसरों को भेजकर उसको गिरफ्तार कर ले ताकि वो काम कर ना पाए इस प्रभाव के साथ। और ये बात हम पढ़ सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 7:32 में। हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 7:32। फरीसियों ने लोगों को उसके विषय में ये बातें चुपके चुपके करते सुना, और प्रधान याजकों और फरीसियों से ने उसे पकड़ने को सिपाही भेजे। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 7:32। फरीसियों ने लोगों को उसके विषय में ये बातें चुपके चुपके करते सुना, और प्रधान याजकों और फरीसियों ने उसे पकड़ने को सिपाही भेजे। परंतु जब ये सिपाही चले गए उसको पकड़ने के लिए, फिर भी वो सिपाही उसको पकड़ के लेकर नहीं आ पाए। एंड व्हेन दे वर क्वेरीड, their response was such an intriguing one. They said, have you heard the way he talks? We have never heard anyone speak like this man. सिपाहियों को जब पूछताछ की गई कि उन्होंने यीशु मसीह को पकड़कर क्यों नहीं लाया, तो जवाब में उन्होंने खुद ऐसे सवाल कर दिए और वो खुद पूछताछ करने लगे जैसे कि वो खुद जानना चाहते हैं। उनके अंदर ये जिज्ञासा दिखाई देने लगी। उन्होंने कहा, क्या तुमने कभी ऐसे बातें करते हुए जिस तरह से यीशु मसीह कर रहा था किसी को सुना है ऐसे बातें करते हुए? हमने तो कभी भी ऐसा मनुष्य नहीं पाया जो इस प्रकार की कोई बातें किया करता हो। तो उस प्रकार से सिपाहियों ने उनको जवाब दिया। John 7:46 में इस प्रकार से लिखा है, हैव यू हर्ड द वे ही टॉक्स, वी हैव नेवर हर्ड एनी वन स्पीक लाइक दिस मैन। यूहन्ना रचित 7:46 में इसके विषय में ऐसे बोला गया है। हम पढ़ेंगे उसे 7:46। तब सिपाही प्रधान याजकों और फरीसियों के पास लौट आए। उन्होंने उनसे कहा, तुम उसे क्यों नहीं लाए? और एक बार पढ़ेंगे 46 में, सिपाहियों ने उत्तर दिया, किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें नहीं की। और एक बार पढ़ेंगे 46, सिपाहियों ने उत्तर दिया, किसी मनुष्य ने कभी ऐसे बातें नहीं की। Think about how he spoke words and great miracles ensued. आप सोच कर देखिए किस प्रकार से उसने बातें किया होगा और महान चमत्कार हो जाते थे वहाँ पर निश्चित प्रकार से। He told Peter and colleagues who had toiled all night and caught no fish, launch out into the deep and let down your nets for a draught. Luke 5:4. और इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो पतरस को उसने बोला और उसके साथियों को बोला कि जो रात भर पूरी मेहनत कर चुके थे और एक भी मछली पकड़ नहीं पाए थे। लूका रचित 5:4 में हम पढ़ सकते हैं कि यीशु मसीह ने ऐसे समय में, लूका रचित 5:4 में हम देखेंगे
ऐसे समय में पतरस को क्या कहा। 5 अध्याय का 4 वचन BSI बाइबल में से हम सारे वचन पढ़ रहे हैं। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। और एक बार पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 4 वचन। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। When they cast their net, they had a great haul of fish, such that they experienced great difficulty bringing it to the shore. What a miracle wrought by his words! और जब पतरस और उसके साथियों ने सुन ली इस बात को और उन्होंने गहरे में जाल डाल दिया, बड़े प्रकार के ऐसे मछलियों के उनके पास इतने ज़्यादा मात्रा में मछलियों की पकड़ उनको मिल गई। और फिर उन्होंने इस प्रकार का अनुभव किया कि बड़ा मुश्किल पड़ रहा था उन मछलियों को किनारे पर लेकर आने के लिए। कैसा चमत्कार भरा हुआ था उस शब्दों के अंदर जो यीशु मसीह ने कहा हुआ शब्द था, कैसा चमत्कार उसके शब्दों में से वो खुलकर आया था। उस शब्दों के अंदर बंद रखा हुआ चमत्कार था वो। The Bible records how he fed the multitude with a little boy's lunch by speaking words. He invoked the power of multiplication on 5 loaves of bread and 2 pieces of fish, and they became more than enough to feed 5,000 men, women and children, not counted. Luke 9 chapter 12 to 17 verse. Pavitra Bible इस बात को लिखित रखा है किस प्रकार से उसने बहुतों को एक छोटे लड़के के खाने का डिब्बा जो था उसके अंदर से खाने की चीज़ों को खिला दिया, बहुतों को खिला दिया। केवल उसने शब्द ही बोले और उस शब्दों में से उस सामर्थ्य को बहाया जो उस 5 रोटी के टुकड़े और 2 मछली के टुकड़े, इन चीज़ों को उसने बहुत मात्रा में बदल दिया। और वह इतनी ज़्यादा हो गई कि वह 5,000 मनुष्य और स्त्री और बच्चों को अभी और भी गिनती में नहीं लिए गए, इतनों को भी उसने खिला दिया। और इसका वर्णन किया है लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय के 12 से 17 वचन में। हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय का 12 से 17 वचन BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। रिदान जिगेल राजियान सोहो जदीन इला रेकियन दो। लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय 12 वचन से 17 वचन। जब दिन ढलने लगा तो 12ों ने आकर उससे कहा, भीड़ को विदा कर के चारों ओर के गांवों और बस्तियों में जाकर टिके और भोजन का उपाय करें, क्योंकि हम यहाँ सुनसान जगह में हैं। उसने उनसे कहा, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा, हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं, परंतु हाँ, यदि हम जाकर इन सब लोगों के लिए भोजन मोल लें तो हो सकता है वे लोग तो 5,000 पुरुषों के लगभग थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, उन्हें 50-50 करके पांति पांति बैठा दो। उन्होंने ऐसा ही किया और सबको बैठा दिया। तब उसने वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि लोगों को परोसे। तब सब खाकर तृप्त हुए और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरियां भर कर उठाई। हालेलुया। When we read in Luke 7 chapter 11 to 17 how he spoke words and brought a dead man, a widow's only son, back to life, who was already being carried to the place of interment.
जब हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार 7:11-17 किस प्रकार से उसने शब्द ही को कहा और एक मरे हुए मनुष्य को जीवन देकर जीवित करके उठा लिया, और वह एक विधवा का बेटा था और दोबारा मृत्यु में से उसको जीवित करके लेकर आया जो पहले ही मृत्यु हो चुका था, और वह उस जहां पर उसे अर्थी के ऊपर उसे लेकर जाया जा रहा था उस जगह में से उसे उठाकर उसे जीवित लेकर आया। तो हम इसको पढ़ सकते हैं लूका रचित सुसमाचार 7:11-17 में हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। जीजास क्यों सेल रास से 7 लूका रचित सुसमाचार 7:11-17। थोड़े दिन बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा हे जवान मैं तुझसे कहता हूँ उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यद्वक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है, और उसके विषय में यह बात सारे यहूदिया और आसपास के सारे देश में फैल गई। हालेलुया। रिदान इसास खिया बुखुल्ला रहा सेस्किन बा अश्कर खतीन रुबांत आसा जदीन इकम रुखुल्ल रहा सा। How about Lazarus, who was dead, buried for 4 and decomposing? Jesus, right in front of Lazarus' tomb, spoke words and Lazarus came back to life. इस विषय में क्या जब लाजरस के बारे में हुआ, वह भी मर चुका था, 4 उसको हो चुके थे मर के, और फिर वो सड़ गया हो। इस प्रकार की अवस्था में 4 के बाद का समय वो लाजरस मरा हुआ पड़ा था। यीशु बिल्कुल उस कब्र के सामने गया जहाँ पे लाजरस का कब्र था, और उसी जगह से उसने शब्दों को बोला और लाजरस जीवित होकर बाहर आया। कितना ही अचंभित है ये। रीड द एंटायर अकाउंट इन John 11। पूरा आप अध्याय पढ़िए यूहन्ना रचित सुसमाचार के 11 को। दिस इज द जीसस दैट वी सर्व। ही यूज्ड वर्ड्स लाइक नो वन एल्स एंड चेंज्ड होपलेस सिचुएशंस। तो इस प्रकार से है यीशु मसीह जो जिसकी हम सेवा कर रहे हैं। वह ऐसे शब्दों का उपयोग करता था जो किसी और को करना असंभव है, वो नहीं कर पाएगा, और ऐसे प्रकार से वो जो आशाहीन परिस्थितियां हैं उनको वो बदल देता था। टॉक लाइक जीसस, आप यीशु मसीह की तरह ही बातें कीजिए। ही सेड आई स्पीक द वर्ड्स ऑफ माई फादर, सो लाइक हिम स्पीक वर्ड्स फ्रॉम द फादर, स्पीक द वर्ड्स ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया। वह कहता है कि मैं मेरे पिता के शब्दों को बोलता हूँ, तो हमने भी उसी की तरह करना है। हमने भी शब्दों को बोलना है जो पिता की ओर से होते हैं, और हमने वही शब्दों को बोलना है जो शब्द मसीह के है। हालेलुया। रिबांति का सिया स्कूल बरहसा रिदिन एका बा आसिया लरहा से खेती नर बहांतरा। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार का 11 हमें बोला है पूरा पढ़ना, तो हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 11। जीदिल बर्रासी अंदो
लाजर की मृत्यु 11 अध्याय पहले वचन से। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बेतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पावों को अपने बालों से पोछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था, अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु, देख जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था, फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है तो उस जिस स्थान पर वह था वहाँ 2 दिन और ठहर गया। इसके बाद उसने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया को चले। चेलों ने उससे कहा, हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते थे और क्या तू फिर भी वही जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है, परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। उसने ये बातें कही और उसके बाद उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि उसने नींद से सो जाने के विषय में कहा। तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहाँ न था, जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास चले। तब थोमा ने, जो दिदमोस कहलाता है, अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। यीशु पुनरुत्थान और जीवन। 17 वचन से आगे, वहां पहुंचने पर यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। बेतनिया यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था। बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई की मृत्यु पर शांति देने के लिए आए थे। जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता, और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। यीशु रोया। 28 वचन से आगे, यह कहकर वह चली गई और अपने बहन मरियम को बुलाकर चुपके से कहा, गुरु यही है और तुझे बुलाता है। वह सुनते ही वह तुरंत उठकर उसके पास आई। यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था, परंतु उसी स्थान में था जहां मार्था ने उससे भेंट की थी। तब जो यहूदी उसके साथ घर में थे और उसे शांति दे रहे थे, यह देखकर कि मरियम तुरंत उठ के बाहर गई है, यह समझे कि वह कब्र पर रोने को जाती है, तो उसके पीछे हो लिए। जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांवों पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई न मरता। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चलकर देख ले। यीशु रोया।
तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कितना प्रेम रखता था। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या यह जिसने अंधे की आंखें खोली यह भी न कर सका कि यह मनुष्य न मरता? लाजर का जिलाया जाना। 38 वचन से आगे, यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए कि बहिन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंख उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। यीशु के विरुद्ध षड्यंत्र। 45 वचन से आगे, तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे और उसका यह काम देखा था, उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया। परंतु उनमें से कुछ ने फरीसियों के पास जाकर यीशु के कामों का समाचार दिया। इस पर प्रधान याजकों और फरीसियों ने महासभा बुलाई और कहा, हम करते क्या है? यह मनुष्य तो बहुत चिन्ह दिखाता है। यदि हम उसे यों ही छोड़ दे तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे और रोमी कर हमारी जगह और जाति दोनों पर अधिकार कर लेंगे। तब उनमें से काइफा नामक एक व्यक्ति ने, जो उस वर्ष का महायाजक था, उनसे कहा, तुम कुछ भी नहीं जानते और न यह समझते हो कि तुम्हारे लिए यह भला है कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे और सारी जाति नष्ट न हो। यह बात उसने अपनी ओर से न कही, परंतु उस वर्ष का महायाजक होकर भविष्यवाणी की कि यीशु उस जाति के लिए मरेगा, और न केवल उस जाति के लिए वरन इसलिए भी कि परमेश्वर के तितर पितर संतानों को एक कर दे। अतः उसी दिन से वे उसे मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे। इसलिए यीशु उस समय से यहूदियों में प्रकट होकर न फिरा, परंतु वहां से जंगल के निकटवर्ती प्रदेश के इफ्राइम नामक एक नगर की को चला गया और अपने चेलों के साथ वही रहने लगा। यहूदियों का फसह पर्व निकट था और बहुत से लोग फसह से पहले देहात से यरूशलेम को गए कि अपने आप को शुद्ध करें। अतः वे यीशु को ढूंढने लगे और मंदिर में खड़े होकर आपस में कहने लगे, तुम क्या सोचते हो? क्या यह पर्व में नहीं आएगा? प्रधान याजकों और फरीसियों ने यह आदेश दे रखा था कि यदि कोई यह जाने कि यीशु कहाँ है तो बताए, ताकि वे उसे पकड़ सके। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि हमें परमेश्वर पिता यीशु मसीह के समान होकर चलना है। उसके शब्दों को हमारे जीभ के ऊपर दे खुदा, ताकि हमारा मन उसके शब्दों से भरा हुआ, हमारे जीभ उसके शब्दों को बोल पाए। हमारी सहायता करो परमेश्वर की आत्मा, कि हम आत्मा में सिद्ध हो जाए, जैसा प्रभु यीशु है वैसा ही हम भी अपने शब्द और काम मिलाकर पिता परमेश्वर की महिमा कर सके। हम मांगते हैं पवित्र आत्मा की, पास्टर क्रिस ओयाखिलोम की यह सेवा हमें हमेशा मिलती रहे और हमारी उन्नति होती रहे। नासरी यीशु मसीह के नाम में हमें फिट एंड फिक्स कीजिए। ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन आमेन आमेन।